तो यार आज मैंने सोचा था कि आज करूँगा ब्लॉग, लेकिन मूड ठीक नहीं है और तबीयत भी उतना ठीक लग नहीं रहा, तो ब्लॉग आज का कैंसिल कर दिया। तो कल करेंगे ब्लॉग, तो अभी तो जस्ट जाऊँगा, रेस्ट करूँगा, तो मिलते हैं कल। मेरा नाम है मनराज और यू गाइस वाचिंग एसएम सागा ब्लॉग्स। तो बिना वेस्ट ऑफ टाइम चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अभी तो देख सकते हो इतना ज़्यादा खराब हालत है और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वापस जाना पड़ेगा घर, तो चलते हैं घर। तो हम लोग तो हो चुके हैं तैयार और बस मनराज का वेट हो रहा, देखते हो कितना देरी में आता है। लगता है आ ही गया। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, हम लोग अब जा रहे हैं निकलने के लिए। डन करें? हाँ चलो डी, ठीक है, तो मिलते सफ़र पर। तो हो चुका हमारा ब्लॉग का शुरुआत एकदम पूरा तरह से और हम लोग निकल गए हैं अपने सफ़र पे। तो भाई अभी तो मंजिल थोड़ा सा दूर है, उससे कोई टेंशन नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे। बता ब्लॉग मतलब जब भी करो तो हड़बड़ी से स्टार्ट होता है। तो हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पे, तो हम लोग अभी जस्ट जा रहे हैं पेट्रोल पंप जाएंगे, वहाँ पर फिर पानी बोल रहे हैं पेट्रोल फिल करवाएंगे। साला पानी पिलाएंगे तो गाड़ी मर जाएगा भाई। पेट्रोल फिल करवाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे अपने सफ़र पे। तो आज अरे भाई क्या ही बताएं, मौसम आज मस्त करके रखा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं ना ज़्यादा गर्म है, मतलब एवरेज है भाई, मीडियम। आज के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? आज बहुत लेट से निकल रहा है, सही में बोल रहा भाई। हम लोग का ब्लॉग का जो शुरुआत हुआ ना बहुत लेट से हुआ है, अभी जस्ट पेट्रोल डलवाएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे, फिर देखते हैं आज का क्या सीन चलता है क्या नहीं चलता। वैसे आज का मौसम मस्त है, मिलता है। तो यहाँ ले रहे पेट्रोल, इसके बाद निकलेंगे। तो पेट्रोल फिल हो गया है, डन, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। तो चल भाई निकलते हैं। जो ये रूट है इसमें तकरीबन दो पेट्रोल पंप है, लेकिन अगली बार जब हम लोग जो गए थे तो उसमें हो गया था एक लोचा, हम लोग पेट्रोल पंप गए हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं। इतना गंदा सीन हुआ था ना यार उस टाइम, मतलब क्या ही बताएं। तो फिर हम लोग वापस, समझ रहे हो, एक किलोमीटर खाली ठेल के आया हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे पेट्रोल फिल करवाया था। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं अब रिस्क नहीं लेना भाई, क्योंकि ऐसे ही तो ये टाइम ओवर हो चुका है, तो रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पर से पेट्रोल फिल करवा लिया और अब जा रहे हैं भाई। तो अब बस रास्ते का नज़ारा का और तो मौसम है उसका मजा लो भाई। थोड़ा सा दुकान में रुके थे, गए थे दुकान, असल में मतलब क्या हुआ ना कि हम तो अपना पूरा खाओ के पूरा टंच होके निकले भाई, लेकिन असल में मनराज जो है हमारा वो उतना कुछ खा के निकला नहीं है, तो उसके लिए लिया केक लिया, फिर खा के निकलेंगे। तो चले भाई निकलते हैं। तो अब
बोले इसको टेकने नहीं टेकने दे पा रहा सही से भाई कितना टेक ले इसका अभी तक ये को कम्प्लीटली एक हाँ आप समझ में आया मेहनत कितना लगता है चल 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 ब्लॉग हो चुका है डन तो हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए तो चलते हैं हम अपने घर और फिर घर में देखेंगे क्या चलता है क्या नहीं चलता है आज का ब्लॉग करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और तो एकदम पूरा तरह से अच्छा सीन था कैसा लगा भाई तुमको बहुत बहुत मस्त लगा तो वही है ब्रो अपना तरह से एकदम चल रहा है जैसे जैसे तो हम लोग चलते हुए अपने रास्ते की ओर क्या हो रहा है नहीं पता गाड़ी धीरे धीरे क्या हो रहा है यार आई तेरी झटका क्या है यार एकदम से तो यार वो पता नहीं मतलब क्या हुआ है गाड़ी एकदम से बंद हो गया फ्यूल तो पूरा तरह से जब हम लोग ले ही लिए थे लेकिन फिर भी क्या हुआ भाई आवाज़ कर रहा है क्या ले तू पकड़ हम देख रहे हैं क्या यार एकदम से मतलब कैसे हो गया भाई रुक हम जरा चेक कर रहे ठीक फिर चेक कर रुको तेल तो पूरा भरा है तो फिर कैसे सुना तूने कुछ अरे कुछ सुना अरे नहीं सुनाई दे रहा यार तेल का आवाज आ रहा छन कर रहा पूरा सही में बोल रहा ठक ठक का आवाज आ रहा कुछ ना अबे भाई सही में आ रहा भाई लोग बनाने नहीं जाएगा हम लोग ब्लॉग ही तो बना रहे नहीं लोग बनाने चल उठ जल्दी उठ जा चलेगा नहीं ब्लॉग बनाने चल जल्दी आज इतना देर तक सोता कौन है हाँ सोता कौन है ये बताया मतलब एक तू बेड पे ले इधर तरफ बेड बेड तू बेड 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 तो बोल मतलब क्या ये बताए पता है आज है ना एक सपना दिख रहा है क्या छोड़ कुछ नहीं आज ब्लॉग बनाने का दिन है ना हाँ ठीक है चल ब्लॉग बनाने के लिए चलता है